কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। সকালেও যে বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। প্রচণ্ড মেঘের জন্য গাড়ি বেশ আস্তেই চলেছে। আজ আমাদের আসল গন্তব্য অহলদারা, তবে পথে নামতিং প্রকৃতি একটু নামব, ড্রাইভার দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে। শিটং বা মহলদিরাম ঘুরতে আসলে অহলদারা ও নামথিং পোখরি প্রায় সবাই আসেন। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা এই পুকুরের বাইরে সরকারি ঘোষণা, সংরক্ষিত এলাকা। হিমালয়ান স্যালামেন্ডার নামে এক প্রাচীন প্রাণী যা একসময় ইউরোপে পাওয়া যেত, এখন কেবলমাত্র রয়েছে দার্জিলিং এর গোটা কয়েক জায়গায়। স্যালামেন্ডার দেখা কি এতই সহজ? আমিও সকলের মতো খুঁজছি। অনেকে না বেশ মজা করে বলে যে ডাইনোসরের মাসি হলো স্যালামেন্ডার। শুনতে বেশ হাস্যকর হলেও একটা কথা বলে রাখি, ডাইনোসরের সময় থেকে কিন্তু স্যালামেন্ডাররা রয়েছে। ডাইনোসর এখন আর নেই, অবলুপ্ত, কিন্তু এনারা এখনও কিন্তু বহাল তবিয়তে রয়েছেন, খুঁজে দেখতে হবে। ও স্যালামেন্ডার জয়ে, ও স্যালামেন্ডার, ও ও ইয়ে না, ইয়ে গাছ হ্যাঁ, গাছ কে ও বীচ বীচ মে রহতা হ্যায়, ও ও গিলা জগা মে রহতা হ্যায়, উতনা ইয়ে বারিশ ও ইসমে ভি নেই রহতা হ্যায়, ওপেন মে নেই রহতা হ্যায়, ওপেন মে ভি নেই রহতা হ্যায়, উতনা উসমে ভি ও পানি মে ভি ঝিল মে ভি নেই রহতা হ্যায়, ও ইস ইয়ে ইয়ে জো দিখ রহা হ্যায় না, ও হ্যাঁ গাছ, হ্যাঁ উসকা অন্দর অন্দর রহতা হ্যায় ও বীচ বীচ মে। थोड़ा हम लोग से थोड़ा आगे ये पोखरी बहुत बड़ा पोखरी था, एकदम साफ सुथरा था, जैसा करके अभी है साफ सुथरा, ऐसा ही करके साफ सुथरा था। लेकिन इधर क्या था, इधर दो डग था, डग वो हाँस बोलता है हम लोग, हाँ हाँस था, दो हाँस, और इधर ये पैर में वो पाखी था दो, तो एक इधर से ये पैर का जितना भी था, ये गंदा वाला ये आया पेड़ का, ये टिप्स आया सूखा पता, वो सब पता वो पाकी टिप के लेके जा रहा था। उस टाइम का स्टोरी, ये पानी भी सूखा नहीं था, ये पोखरी भी कभी नहीं सूखता था। उस टाइम वो दो हाँस था, इधर ही बैठता था वो हाँस भी, इधर ही बैठता था। अभी वो क्या हुआ, लास्ट में एक ये इधर का हम सुना, इधर का आदमी, कोई आदमी वो हाँस को मार दिया, उसका बाद में ये पोखरी भी थोड़ा सूख गया, वो पाखी भी चला गया। फिर अभी तो ये ऐसा सीजन में, बारिश का सीजन में ये रहता है, पूरा ये रहता है, झील बन जाता है, तो उसका बाद में ये नहीं बनता है, वो सूखा दिन में वो अक्टूबर से ये झील नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है। अभी भी पाखी है जैसा लगता है हम लोग का, क्योंकि ये उतना एक लिप्स भी तो कभी नहीं बैठता है इधर में, नहीं तो अभी बारिश का सीजन है, काका से ये आता है ना, वो लिप्स विप्स जो दूसरा कचरा वचरा, एक भी एक टुकड़ा भी नहीं है इधर में। जो आदमी धर्म धर्म करता है, जो आदमी दान करता है, वो दान करने वाला आदमी, वो धर्मवती वाला आदमी इधर से घुस के छोटा से भी जितना भी वो जितना वो है ये उसका जगह है, वहाँ से आराम से निकल के जा सकता है। अच्छा। लेकिन वो जो पाप करता है हाँ। वो बीच में अटक जाता है। वही कौन सी जगह से जाने के लिए? आगे वो आगे ऐसा करता था आदमी हाँ, इधर हाँ, आगे हाँ। ओ, अच्छा। क्या बोलता है इसको? धर्म डोंगा बोलता है। आज हमरा আমার ভিউয়ার্সরা জানেন ঢুঙ্গা মানে পাথর, আমি আগেই বলেছি। যত সুন্দর এই পুকুর ততটাই রহস্যময় পাশের এই পাইনের বন। দিনের বেলাতেও এখানে সূর্যের আলো ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হয়, এমন সময় একটা ভূতের গপ্প হলে কিন্তু জমে যেত।
जो अभी ये फाइन फॉरेस्ट में अभी कहानी बोल रहे थे ना जी, आप मेरे व्यूअर को बोलिए। वो जो पहले वाला भूत, पहले समय का समय में मिलता था भूत, वो एक नांगला भूत बोल के मिलता है इधर में, वो तो नांगले भूत बोलता है हम लोग, वो डागरा, आप लोग का जो डागरा बोलता है, गोल जैसा, गोल जैसा, गोल चावल वावल जो, हाँ गोल कुलो, हाँ वो वाला, वो रोलिंग होके आता है रात को, डागरा जैसा, डागरा जैसा रोलिंग होके आता है, वो नांगला भूत बोलता था पहले वाला आदमी। वो इंसान को मतलब नुकसान पहुंचाता था? नहीं नहीं, वो डर से बीमार हो जाता था। अच्छा, वही सब था, वो भूत का बारे में वही पता है मेरे को। तो हम लोग का एक सुंगुर या भूत मिलता है, वो सुअर का जैसा होता है, वो रात को सुअर भूत जैसा मिलता है, वो इधर का आदमी बोलता है सुंगुर भूत। हम लोग का नेपाली आदमी जो है उस लोग का तो पता है सुंगुर भूत क्या है बोल के। तो ऐसा मेरा सुंगुर भूत वो बचपन में मिला था, वो जब स्कूल टाइम था मेरा, उस टाइम हम इंजोर भी हुआ था वो सुंगुर भूत के लिए। तो हम लोग एक बचपन में वो दोस्त का साथ में, तीन आदमी था हम लोग सोनादा में, तो वो ड्रेन का इसमें जा रहा था, उसमें ड्रेन में क्या होता है, वो सुंगुर जैसा छोटा छोटा, वो बहुत ज़्यादा वो 30-40 जैसा आया ऊपर से। तो हम लोग का तो पता नहीं था, छोटा था, वो घर का आदमी बोल रहा था इधर ये गैप में, ये ड्रेन का बगल में तो वो सुंगुर भूत मिलता है। तो हम लोग भी क्या नहीं मिलता है, ये सब झूठा है बोल के हम लोग तो ये होके चला गया। चल रहा था रात को, लेकिन एक दिन तो सच में मिल गया। उस टाइम हम लोग भाग रहा था उस टाइम मिला कि वो सुंगुर भूत दिखने में है कैसा? दिखने में एकदम सुंगुर जैसा गग 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 करके आता है। अच्छा। लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं दिखता है, वो एक ही बार में आता है ना सब कुछ, वो पैर का ये सब में आता है, लेकिन वो नहीं छूता है। अच्छा। आदमी का नहीं छूता है। कलर? वो कलर तो हम लोग तो रात को ब्लैक ही देखा, वो ज़्यादातर था, लेकिन ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। वो तो हम लोग तो 15-20-30 ऐसा ही देखा, वो डर का इसमें बहुत सारा आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। तो दोस्त लोग बोला ओ भूत है सुंगुरिया भूत है बोल के हम लोग चलाया था। हम वो बड़ा सा ये इससे, वो बड़ा सा ये क्या बोलता है ऊपर वाला ये डील से गिर गया था हम नीचे। अच्छा। नीचे गिर गया था, चट्टी वट्टी भी सब कहाँ चला गया, वो भी चला गया, कुछ भी नहीं था, यहाँ से सब ये हुआ था, वो गहरा चोट हुआ था। लेकिन उस टाइम घर में चला गया, घर में बीमार हो गया मैं। उसके बाद में वो हम लोग का वो ओझा बोलता है, वो ओझा का पास में चला गया, हाँ इसका ऐसा ऐसा हुआ है, बुखार आया था। हाँ बुखार आया था, मेरा एज ऐसा ही 12 साल जैसा। वो क्या बोलता है डाहुल में भूत मिलता है, ये मिलता है, ये सब नहीं है। मैं तो 17 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ता में भी अभी तक भूत मेरे को नहीं मिला। बहुत आदमी बोलता है, बहुत ड्राइवर लोग बोलता है कि भूत है रास्ता में भूत मिला, ये जगह में तो मिलता ही है, ये सब अभी तक मेरे को नहीं मिला। वो भूत का बारे में वही था जो बोला वो बुजुर्ग लोग बोला था, वो पेरेंट्स लोग, उस टाइम मिला था मेरे को भूत। अच्छा, আমরা যেটা এনজয় করি, বিশ্বাস করি যে মেঘলা ওয়েদার, পাইনের বন, ঘন কুয়াশা, এটা ভূতের গল্প হবে না, সেই জন্যই কিন্তু শুনিয়ে দিলাম। এইটার সত্য মিথ্যা বিচার করা বেকার, শুধু এনজয় করুন। অহলদারা ছেড়ে এসেছি 12 কিলোমিটার আগে, এই অঞ্চলে সিনকোনা গাছের ছড়াছড়ি। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা চৌরাস্তার মোড়, আমার নাক বরাবর সোজা চলে গেল মহলদিরামের রাস্তা, আর ডান হাতে এই যে রাস্তাটা গেল এটা হলো শেলপু গাঁওয়ের দিকে, শেলপু গ্রামের দিকে, আর বাঁদিকে এগোলে লাটপাঞ্চার, আর ঠিক আমার পেছনে যে সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেল এটা হলো অহলদারার যাওয়ার জন্য রাস্তা। অহলদারায় একটু নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে, আমি 2019 একবার এসেছিলাম, তখন কিন্তু কোনো টিকিটের ব্যবস্থা ছিল না, এখন দেখছি টিকিট কাটতে হবে। এখন 10 টাকা করে পার হেড টিকিট রয়েছে অহলদারা ভিউ পয়েন্টে যেতে হলে। এটা শেলপু পাহাড়, এই শেলপু পাহাড়ের মাথায় অহলদারা ভিউ পয়েন্ট,
सामान्य एकटू चड़ाइर पथ पेरोते हय। तारपर माथा घोराले 360 डिग्री आपनार चोखेर सामने असाधारण दृश्य। পাশেই ছ সাতটি কটেজ বন্দোবস্ত করেছেন স্থানীয় পদমগুরু। এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি। বহু সারা টুরিস্ট তো থা কি উধর যে আতে থে সেলামেন্ডার দেখনে ইয়া তো आपका जेड एस आई से या मेडिसिनल प्लांट्स देखने, वो सब वहाँ से कलकत्ता से 15-20 साल पहले जो आते थे ना स्टूडेंट लोग, वो सब तो बेडिंग लेके आते थे। अच्छा, बेडिंग लेके आते थे? बेडिंग लेके, सिर्फ हम लोग रहने का जगह और खाना और टॉयलेट लाइट से भी। तो तब नहीं देते थे बेडिंग? वो सब लेके आते थे। अच्छा, वो लेके आते थे। এদিকে বৃষ্টির বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই প্রকৃতিও বেশ উপভোগ্য। অহলদারা অনেকের কাছে কিন্তু একটা দারুণ সুন্দর একটা স্বপ্নের জায়গা, যে যেতে হবে অহলদারা। আচ্ছা, ইয়ে যে কটেজ হ্যায় কিতনা হ্যায় উসকা আচ্ছা রেট ইসমে ইয়ে হ্যায় কটেজ কা হিসাব সে নাই হোতা হামারে ইয়াহ পে ও পার হেড পার ডে এপি বোলতে হ্যায় না আমেরিকান ক্লাস মে 1400 রুপে করকে পার হেড পার ডে 1400 রুপে খানা ইনক্লুড না ফুড ইনক্লুড হ্যায় लेकिन बड़ा ग्रुप होने से इसमें फिर थोड़ा कम भी कर देते। बड़ा ग्रुप कितना मिनिमम? बड़ा मतलब 12 से ऊपर होने से। अच्छा, इसमें और खाने में ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, इवनिंग स्नैक्स डिनर। रूम किंतु बेश सुंदर छिमछाम, আমার তো দারুণ লাগছে, তার কারণ চারিদিকে সমস্ত কিছু দেখা যাবে। এই রুমটা দুজনের জন্য এনাফ। এই বৃষ্টি কখন থামবে জানি না, তবে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করব। ভিডিও পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব, লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের পর্বে।